ये वीडियो बस एक अनुमान किया गया वीडियो है। इस वीडियो में कबड्डी की किसी भी तरह की जानकारी, न्यूज या फिर अपडेट नहीं दी जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कबड्डी मास्टर्स, दुबई कबड्डी मास्टर्स के 29 जून को होने वाले सेमीफाइनल 2 मैच यानी कि इंडिया वर्सेस कोरिया के बारे में। और दोस्तों मैंने सेमीफाइनल 1 पे भी वीडियो बनाई है, ईरान वर्सेस पाकिस्तान, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडिया जीतेगी या कोरिया जीतेगी, कौन किस पे पड़ेगा भारी, कौन सा प्लेयर चमकेगा और क्या होगा ना होगा हर एक बात। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको शुरू से लेके अंत तक देखते रहना है। तो चलिए खेलते कबड्डी। दोस्तों 29 जून को कबड्डी मास्टर्स 2018 दुबई की दूसरी सेमीफाइनल है जो कि है इंडिया वर्सेस कोरिया। तो दोस्तों इस मैच में अगर मैं इंडिया की बात पहले करूं तो इंडिया में जो 14 प्लेयर है किसे छोड़ के किसे स्टार्टिंग सेवन में खिलाए यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 14 के 14 प्लेयर ही समान लेवल पे है। हाँ दोस्तों, अगर स्टार्टिंग सेवन पे देखूं और बेंच पे देखूं तो सभी को मतलब लगेगा ही नहीं उनमें कोई डिफरेंस है, लगेगा कि हाँ वो भी स्टार्टिंग सेवन में आ सकते हैं और वो भी खेल सकते हैं। तो 14 के 14 प्लेयर एक समानता से है, तो इंडिया में यह एक गलती कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारे अगर अच्छे हो जाते हैं ना तब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है कभी कभार। तो ऐसा हो सकता है कि 7 प्लेयर को खिलाया उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, ऐसा हो सकता है क्योंकि 14 के 14 प्लेयर अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों श्रीनिवास रेड्डी बहुत ज़्यादा चालाक किस्म के हमारे कोच है, जिन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं लीग मैचेस में, सेमीफाइनल फाइनल के पहले सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं उन्होंने। जैसे कि गिरीश को कवर पे खिला लिया, हर एक प्लेयर को खिला लिया स्टार्टिंग सेवन में, हर एक प्लेयर को, फिर दीपक को खिला लिया कवर में, फिर सारे कॉर्नर टेस्ट कर लिए, कवर्स टेस्ट कर लिए, सारे के सारे रेडरों को टेस्ट कर लिया, तो सब एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया की कोऑर्डिनेशन डगमगाएगी। तो कबड्डी में कुछ ऐसा है दोस्तों कि जब डिफेंस कर रहे हो आप, 7 प्लेयर रहते हो और एक माइंड से 7 प्लेयर को खेलना पड़ता है। तो दोस्तों ये है कबड्डी, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में एक माइंड से 7 प्लेयर खेलने में मतलब सक्षम नहीं होंगे। हाँ वो होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो उनको शायद परेशानी ना हो। अब अगर मैं बात करूँ कोरिया टीम की, तो दोस्तों कोरिया ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था, वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में, हाँ दोस्तों हराया था। और इस मैच में जैंग कुनली की भूमिका सबसे ज़्यादा थी और कोरिया की डिफेंस की भूमिका सबसे ज़्यादा थी। तो तब कुछ बात अलग थी, तब टीम इंडिया का स्क्वाड अलग था, अभी टीम इंडिया की स्क्वाड अलग है और काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब टीम इंडिया की स्क्वाड अभी ताकतवर है। और कोरिया ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत ही खराब की है दोस्तों। जैसे कि शुरुआत में ये ईरान के टीम बी से हार चुके हैं। क्यों हार चुके हैं? क्योंकि इनका जो डिफेंस है उनमें कोऑर्डिनेशन तालमेल नहीं बना है। हाँ दोस्तों नहीं बना है, एकमात्र जैंग कुनली चले हैं, रेडिंग में भी उनका साथ किसी ने अच्छी तरीके से, डोंग जियोन ली से बहुत सारे आशाएं थी जिन्होंने भी मतलब साथ नहीं दिया है जैंग कुनली का। तो यही कोरिया की कमजोरी है कबड्डी मास्टर्स में। और अगर कोरिया ये सारे खामियां भर सके, डिफेंस सेट कर सके और जैंग कुनली के साथ और एक रेडर को चला सके तो बेशक इंडिया को कोरिया हरा सकती है। हाँ दोस्तों बेशक इंडिया को कोरिया हरा सकती है। तो दोस्तों अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलूं तो यहाँ पे इंडिया के जीतने के चांसेस है 55% और कोरिया के जीतने के चांसेस है 45%। हाँ दोस्तों, और मैं आखिरी में एक ही बात कहूँगा, मतलब बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है दोस्तों इंडिया वर्सेस कोरिया का, बहुत ही बढ़िया मैच, मतलब आपके दिल के धड़कने तेज करने वाली ये मैच होगी। क्योंकि सेमीफाइनल है तो इंडिया भी रिस्क नहीं लेगा ज़्यादा, इंडिया भी कम टैकल करेंगे, कम रेडिंग में रिस्क लेंगे और कोरिया भी चाहेगी नहीं पहले से इंडिया को दबा के रखे, क्योंकि इंडिया को पहले से दबाओगे नहीं तो हारोगे।
तो यहाँ पे मैच रोमांचक होगा, नेक टू नेक होगा, स्कोर इधर उधर होता रहेगा, तो यार मजा आएगा। तो जरूर से इस मैच को मिस मत करना यार। दोस्तों यही थी मेरी आज की एनालिसिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो इस वीडियो को तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पे लाता हूँ हर रोज कबड्डी के नए नए अपडेट्स और सजेस्टिव वीडियोज। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।